हेलो दोस्तों, स्वागत है भगत कम्युनिकेशन के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप झारखंड से हैं और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आप घर बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से या फिर लैपटॉप के द्वारा आप इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग स्टेप बाई स्टेप इनकम सर्टिफिकेट हम लोग किस प्रकार ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, साथ ही दोस्तों इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होगी उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और ये जो दोस्तों फॉर्म है, जो भी ऑफलाइन फॉर्म है, आपको इसको किस प्रकार भरने होंगे इस वीडियो में मैं इसके ऊपर भी बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने से पहले आपको आय प्रमाण पत्र का एक आवेदन पत्र मिलता है, जो इस प्रकार दोस्तों न्यू फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये फॉर्मेट आपका जो दुकान है दोस्तों, आपका आमने सामने दुकान है या फिर आपका बुकलैंड वगैरह है वहाँ पे अगर नहीं मिलता है, तो आप मेरे से कांटेक्ट करके ये फॉर्म आप ले सकते हैं। तो जैसे आप ये फॉर्म लेंगे दोस्तों, आपको इसको इस प्रकार भरना होगा, जो कि मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ दोस्तों आपको आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगाने होंगे, इसके साथ आपके पिताजी का आधार कार्ड आपको यहाँ पर लगाने होंगे, इसके साथ दोस्तों आपको खतियान लगाने होंगे, इसके साथ आपको एक एफिडेविट कराने होते हैं जो कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर मैंडेटरी रखा गया है। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको jharsewa.jharkhand.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाने होंगे। अगर आपको इस वेबसाइट पे आने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, ताकि आप लोग ईजिली क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ पाएंगे। आने के बाद दोस्तों आप लोगों को लॉगिन पर क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप इससे पहले झारसेवा में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड बना चुके हैं यानी रजिस्टर कर चुके हैं, तो आप सिंपली यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके, ये जो कैप्चा दिख रहे होंगे इसको फिलअप करके लॉगिन पे क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन से करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जो कि बहुत ही ईजी प्रोसेस है दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपना पूरा नाम लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो ईमेल आईडी है उसको लिखना होगा, उसके बाद जो आपका जो मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप करने होंगे, जो कि दोस्तों कॉम्बिनेशन वाला पासवर्ड होना चाहिए। यानी दोस्तों आपको यहाँ पे एग्जांपल दिख रहे होंगे ABCD@123, यानी ए जो यूज किए गए हैं ये कैपिटल यूज किए गए हैं और BCD यहाँ पे स्मॉल यूज किए गए हैं, और @123 ये आपका न्यूमेरिकल और ये वाला जो है स्पेशल कैरेक्टर है। आपको इस प्रकार से पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेने होंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस पर अपना जो स्टेट है आपको चुनना होगा। उसके बाद दोस्तों ये जो कैप्चा आपको दिख रहे होंगे, कैप्चा फ्लिप करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप लोग कर लेते हैं दोस्तों, आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन है दोस्तों वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाता है, हम लोग इसको लॉगिन करके आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेते हैं, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप लोगों को इस पर क्या करने होंगे, अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना होगा, उसके बाद व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको इस पर इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आपको ये जो 10 नंबर पे दिख रहे होंगे, आपके वाले में हो सकता है ये 10 नंबर पे ना दिखे, आपको इस पर क्या करना होगा, ये जो सर्च है दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम सर्च करने होंगे, यानी INCOME आपको इसको सर्च करने होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिल जाएगा इशू ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको ये जितने भी डिटेल्स दिख रहे होंगे आपको ध्यानपूर्वक भरना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपको जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बन पाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स, जी हाँ दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स में आपको यहाँ पे नॉर्मल और तत्काल का ऑप्शन दिखेगा। तो दोस्तों आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ही यूज़ करना होगा दोस्तों। तत्काल अगर कहते हैं, ये थोड़ा दोस्तों हो सकता है कि जल्दी बने, बट इसमें बहुत सारा दोस्तों इसमें अलग से प्रोसेस होता है, तो मैं आपको लोगों को बोलूँगा कि नॉर्मल ही बेस्ट है दोस्तों, तो इसमें नॉर्मल चूज़ कीजिएगा। उसके बाद सोल्यूशन, जी हाँ दोस्तों, आप अगर लड़के हैं तो श्री यूज कीजिए, और अगर आप महिला है तो श्रीमती यूज कीजिए, और अगर आप अनमेरिड गर्ल है तो आप इसमें कुमारी यूज कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर श्री यूज कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों जेंडर ऑटोमेटिक आ जाएगा मेल। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट नेम आपका यूज करना होगा। इसके बाद दोस्तों आपका अगर मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे मिडिल नेम यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपना जो ईयर है उसको चुनना होगा, उसके बाद मंथ चुनना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो डेट है उसको यहाँ पे देने होंगे। जैसे ही आप लोग डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग कितने ईयर के आप होंगे ये ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाए जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर अपने अनुसार आप ठीक से डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पे उल्टा पुल्टा डाल दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिख रहे होंगे अप्लाई फॉर, इस पर आप लोगों को फ्रेश सर्टिफिकेट पे ही क्लिक करना होगा दोस्तों। इसके बाद आप लोग बात करेंगे कि
इनकम एफिडेविट डिटेल्स, आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको इस पर कुछ भी नहीं भरना होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ऑथराइजेशन डिटेल्स, जी हाँ दोस्तों, इसमें आप लोगों को आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होने वाला है वो किस लेवल का होने वाला है, सर्कल ऑफिसर का होगा या फिर सब डिविजनल ऑफिसर का होगा या फिर डिप्यूटी कमिश्नर का होगा। तो आप सर्कल ऑफिसर का मान लीजिए आप पढ़ाई लिखाई में यूज कर रहे हैं तो आप सब डिविजनल का यूज़ कीजिए, और SDO और DC का दोस्तों अगर आपको कहीं जॉब की ज़रूरत है या फिर नियोजन के लिए ज़रूरत है तो ही आप SDO एंड डिप्यूटी कमिश्नर वाला बना पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को रिलेशन डिटेल्स मांगा जा रहा है, जी हाँ दोस्तों, इस पर आप लोगों को अपना फादर्स का डिटेल्स देना होगा, इस पर आपको सन ऑफ यानी सन देना होगा, इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पिताजी का जो श्री लगाते होंगे तो श्री करना होगा। अगर आप महिला होंगे या फिर आप दोस्तों गर्ल्स होंगे तो यहाँ पे डॉटर यूज कर सकते हैं, वाइफ यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो पिताजी का नाम है उसको फर्स्ट यूज कीजिएगा, उसका लास्ट नेम यूज कीजिएगा, उसके बाद आपका जो पिताजी का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी है दोस्तों आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस देने होंगे, जी हाँ दोस्तों, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट होता है वो प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग ही बनता है। तो प्रेजेंट एड्रेस देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे ये जो डब्बा दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे विलेज पोस्ट, आपका जो एट पोस्ट, पुलिस स्टेशन, जो भी कुछ है दोस्तों आपको इस पर मैंसन कर देना होंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कंट्री, जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कंट्री चूज़ कर देने होंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट चुनने होंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुनने होंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सब डिविजनल, जी हाँ दोस्तों, जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पे चुनेंगे उसके अकॉर्डिंग यानी उसके अंतर्गत जितने भी आपके सब डिविजनल आते होंगे उनका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे सर्च करने होंगे या फिर आपको यहाँ पे लिखने होंगे, इसके बाद पुलिस स्टेशन आपको यहाँ पे लिखने होंगे, उसके बाद दोस्तों आपको लोकेशन, जी हाँ दोस्तों, लोकेशन यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपका एरिया क्या पड़ता है, रूरल पड़ता है कि म्यूनसिपलिटी पड़ता है या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पड़ता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे या फिर जो भी होगा दोस्तों आपको यहाँ पे वही चूज करना होगा। मान लीजिए मैं रूरल चूज करता हूं तो सबसे पहले आपको यहां पे ब्लॉक चूज करना होगा, उसके बाद आपको यहां पे ग्राम पंचायत चूज करना होगा, उसके बाद विलेज ऑटोमेटिक आ जाएगा दोस्तों, उसके बाद आप लोग इस पे जो भी आपके अकॉर्डिंग जो भी ठीक लगे आपको यहां पे वो चूज कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आपको मोहल्ला टोला, यहाँ पे दोस्तों आपको गांव का नाम ही आपको यहाँ पे लिखने होंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड अपना देने होंगे जो कि दोस्तों आपका 8 डिजिट का होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको ये जो दिख रहे होंगे पंचायत सेवक डिटेल्स, आपको इसमें भी कुछ भी नहीं भरना होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, जी हाँ दोस्तों, अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पे दोस्तों अलग अलग फिलअप कर सकते हैं, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर येस करेंगे। येस जैसे ही करते हैं, जैसे आपने प्रेजेंट एड्रेस भरे थे दोस्तों, वो सब कुछ आपका भी जो परमानेंट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक फिल हो चुका है। अभी दोस्तों ये सब और कुछ नहीं करना होगा दोस्तों, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। अभी दोस्तों आप लोगों को इनकम डिटेल्स देना होगा, जी हाँ दोस्तों, इनकम डिटेल्स देना होगा। इनकम डिटेल्स आपको जो एफिडेविट आप करवाएंगे दोस्तों, इसमें आप लोगों का देखिए दोस्तों, इसमें एग्रीकल्चर मैं यहाँ पर लिखवाया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, आपको ये जो पहला बॉक्स दिख रहे होंगे आपको फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर का है, ये ऑक्यूपेशन का है, ये बिजनेस का है, ये जो है अदर सोर्स का है, ये पर हाउस रेंट का है, ये आपका जो टोटल है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें किसी में दोस्तों एक में भरना है, मैं यहाँ पे फार्मिंग में भर देता हूँ या फिर किसी में आप एक में भरिए। मैं यहाँ पे एफिडेविट में 60,000 लिखवाया हूँ तो मैं यहाँ पे 60,000 लिख देता हूँ। अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम लोग जीरो कर देंगे, फिर इसमें भी हम लोग जीरो कर देंगे। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो सारे बॉक्स होंगे इसमें हम लोग जीरो जीरो कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, आप लोग इस प्रकार दोस्तों इनकम का डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आपको इस पे कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आप लोगों को वेदर द एप्लीकेंट मदर्स फादर्स एम्प्लॉयड इन द एनी नॉन गवर्नमेंट सर्विस, दोस्तों इसमें आप लोगों को क्या करने होंगे, इस पर आप लोगों को नो करने होंगे। ये ध्यान रखना होगा दोस्तों, आप लोगों को इस पर नो ही करना होगा, येस आप मत कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये जो बॉक्स दिख रहे होंगे आपको इस पर कुछ भी नहीं भरना होगा, आपको यहाँ पे ब्लैंक आपको यहाँ पे रखने होंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को पर्पोज ऑफ ऑब्टेन सर्टिफिकेट, जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इस पर क्या करने होंगे, आप लोगों को किस पर्पोज से आप लोग जो सर्टिफिकेट है उसको बनाना चाहते हैं आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट करने होंगे। आप एजुकेशन पर्पोज में बना रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पोज में बना रहे हैं, आपको इसको चूज कर लेना होगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को ये जो ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको इसमें येस ही ऑटोमेटिक रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अप्लाई फॉर सर्विस, इसमें देखिए दोस्तों आप लोगों को ये जो कैप्चा दिख रहे होंगे आपको इस पर फिलअप करने होंगे, और ये जो अप्लाई फॉर सर्विस दिख रहे होंगे आपका जो भी जिस भी रूरल अर्बन जिस भी गाँव में रहते हैं ऑटोमेटिक वहाँ पर जो आप लोगों का जो कर्मचारी होता है वहाँ पर चल जाएगा। कैप्चा फिलअप करके हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे ही आपने सबमिट कर दिए हैं तो आप लोगों को ये जो डिटेल्स है जितने कुछ आप डिटेल्स भरे होंगे ये सारे कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस पे दोस्तों आप लोग ठीक से देख सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी मिस्टेक लग रहा है कि मैंने गलती कर दिया है तो आप एडिट के ऑप्शन में भी जाकर आप लोग ईजिली इसमें एडिट कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अटैच एनेक्सियर, जी हाँ दोस्तों, हम लोग को अभी ये जो डॉक्यूमेंट है हम लोग को इसको अपलोड करना होगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को किस प्रकार ये रेडी करने होंगे, आपको ये जो फॉर्म दिख रहे होंगे ये जो फर्स्ट पेज आप लोगों को ये जो फॉर्म है आप लोगों को ये बाय कर लेने होंगे, इसको आप लोगों को नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल
मोबाइल नंबर, आपका पिताजी का नाम, इसमें आपका जो एड्रेस वगैरह होंगे इसको ठीक से भरिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का जो इनकम सोर्स है उसको आप लोग यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस पर वंशावली वगैरह भरने होंगे, जो कि आप लोगों का जो दोस्तों जो इनकम जो आप लोगों का खतियान है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का वंशावली बनेगा। तो इस प्रकार दोस्तों आप लोग इसको तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इस पर अटैच एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को इसमें दो ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको ऊपर वाले में कुछ भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद हम लोग नीचे वाले में इसमें अपलोड करेंगे इनकम रिलेटेड एफिडेविट, तो हम लोग इसमें इनकम रिलेटेड एफिडेविट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करके वही फाइल हम लोग चूज़ करेंगे जो हम लोग इसमें यानी जो हम लोग भरे हैं, जो हम लोग इसके लिए अप्लाई किए थे। इसके बाद सेव एनेक्सर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग का देखिए दोस्तों वही डॉक्यूमेंट आ गया है, वही कुछ हम लोग का फिर से आ गया है, फिर से आप लोग इसको देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग अभी डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पे आप रीचेक कर सकते हैं कि मैंने जो डॉक्यूमेंट भरा दोस्तों वो ठीक है कि नहीं है, गलत है कि सही है, आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी दोस्तों आप लोग इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको पीडीएफ भी बना सकते हैं, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो यही प्रोसेस था दोस्तों, कंप्लीट प्रोसेस था किस प्रकार आप लोग झारखंड में इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। आपको ये फॉर्म की अगर ज़रूरत होगी तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेरे को मैसेज वगैरह कर सकते हैं, मैं आपको ये फॉर्म प्रोवाइड कर दूँगा। उसके लिए दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीन शॉट मेरे को शेयर कर देने होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर न्यू होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।